सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी के क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अक्ल बड़ी या भैंस। आफ्ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ्ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। जो यह पहलवान है वो कहता है। अब आफ्ती कहता है, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पहलवान कहता है, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। आफ्ती कहता है, अच्छा आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफ्ती पहलवान को चैलेंज करता है। आफ्ती पहलवान को शहर के 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। पहलवान कहता है, यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। पहलवान ने अपनी पूरी ताकत से रुमाल को फेंक दिया, लेकिन रुमाल वही गिर पड़ा। आफ्ती ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफ्ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। इस तरह आफ्ती ने अपनी ताकत दिखाई बुद्धि से। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक पहलवान इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद हार जाता है और आफ्ती अपने बुद्धि और युक्ति से जीत जाता है।